शुरू कर रहे हैं आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला जो पार्ट पढ़े थे उसी का आगे ही कहीं, ठीक है, मुनेरा जगत के बारे में। मुनेरा जगत में आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो मुनेरा रहता है उसका हैबिटाट क्या है, वो उसका क्या बोलना चाहिए, शेप कैसा कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन भी मिल गया था आपको बैक्टीरिया के बारे में। आज उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चल, एक बैक्टीरिया का ध्यान समझना, एक बैक्टीरिया का संरचना कैसा होता है इसको सबसे पहले आप लोगों को मैं बताया था कि मान लो कोई बैक्टीरिया है तो जो बैक्टीरिया रहता है, ठीक है, उसमें सबसे पहले कितना लेयर पाया जाता है, बोलो हमें, तीन लेयर। कितना लेयर? तीन लेयर, लेयर है ना। सबसे बाहरी जो लेयर रहेगा, सबसे बाहरी जो लेयर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद जो लेयर पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और सबसे अंदर में होता है क्या, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ तक क्लियर था कि नहीं सबको? देखो भाई, कितना लेयर बोल रहा हूँ मैं, तीन लेयर, ठीक है ना। एक मिनट, देखो, तीन लेयर रहता है। सबसे बाहर का जो लेयर रहेगा उसको क्या बोला हूँ मैं, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। सेकेंड वाला लेयर को क्या बोला हूँ मैं, सेल वॉल, सेल वॉल। और उसके बाद का एक जो लेयर है, तीसरा सबसे अंदर का लेयर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीनों को एक साथ मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, सेल एनवलोप। क्या बोलते हैं? सेल एनवलोप। यही देखे थे। इसके बाद क्या बोला था, बैक्टीरिया जो रहता है उसके बाहरी सरफेस पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। फ्लैजिला का भी तीन पार्ट रहता है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। कितना पार्ट रहता है? तीन पार्ट। फ्लैजिला का भी कितना पार्ट रहता है? तीन पार्ट, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। तो ये चौथा आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, फ्लैजिला। क्या हो गया? फ्लैजिला। अच्छा, फ्लैजिला के बाहर ध्यान देना, फ्लैजिला के बाद यहाँ पास एकदम छोटा 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 बैक्टीरिया में क्या रहता है, एक स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रिक। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिक। क्लियर है? पाँचवें नंबर के स्ट्रक्चर। उसके बाद मैं आप लोगों को बताया था क्या होता है, इसमें एक पिलाई होता है। क्या होता है? पिलाई नामक भी संरचना होता है। अच्छा, ये जो अंदर वाला ध्यान देना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इनर फोल्डिंग करता है और इनर फोल्डिंग करके निर्माण करता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोजोम। क्या बोलते हैं? मीजोजोम, जिसमें श्वसन संबंधी एंजाइम पाया जाता है। वैसे ही ध्यान से समझना, ये जो आपका अंदर का ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो फोल्डिंग करके एक और स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को क्या बोला था कि इसके अंदर खुद का क्या होगा, आपका कोशिका द्रव्य तो होगा ही होगा, कोशिका द्रव्य तो होगा ही होगा। उसके अलावा क्या होता है, इसका खुद का डीएनए होता है, ठीक है ना। क्या रहता है? खुद का डीएनए रहता है। और ये जो डीएनए है, जीनोमिक डीएनए बोलते हैं जिसको, इसको न्यूक्लियोइड नाम से जाना जाता है। इसको कौन से नाम से जाना जाएगा? न्यूक्लियोइड। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा भोज्य पदार्थों के संग्रह के लिए इसमें क्या पाया जाता है, ऐसे एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते थे, इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी। इसके अलावा इसमें एक और स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोले थे, राइबोसोम। क्या बोले थे? राइबोसोम। और किस टाइप का राइबोसोम रहता है, ध्यान सुनना, 70S प्रकार का। कितने प्रकार का? 70S। राइबोसोम दो टाइप का रहता है, 70S और 80S। तो 70S प्रकार का रहता है। ये S क्या है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा मुख्य जो अनुवांशिक पदार्थ है उसके अलावा एक और अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है ना। मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के अलावा एक और अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, ठीक, ये देखो, एक और अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। और ये जो अनुवांशिक पदार्थ है इसका हम लोग नाम रखते हैं क्या, प्लाज्मिड। क्या नाम रखते हैं? प्लाज्मिड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? इतना सारा स्ट्रक्चर है, इन सब के बारे में हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। क्लियर है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, और उसमें भी मेनली हम लोग किसका देख रहे हैं, बैक्टीरिया। तो उसका जो क्या बोलना चाहिए, जो कोशिका रहता है उसमें ये संरचनाएँ पाई जाती है। एक एक करके हम लोग सबको पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्लाइकोकैलिक्स। शुरुआत करें क्या, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसका, ग्लाइकोकैलिक्स। हेडिंग डालो, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। चलो, इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स।
के बारे में, यह सेल एनवलोप का, सेल एनवलोप का सबसे बाहरी भाग है, सबसे बाहरी भाग है, ठीक है। किसका बना रहता है? यह म्यूकोपॉलीसेकेराइड का, यह म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। वह चिपचिपा होता है, कैसा होता है? चिपचिपा, जो कि सतह से जुड़ने में, सतह से जुड़ने में क्या करता है? मदद करता है। सतह से जुड़ने में क्या करता है? मदद करता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ग्लाइकोकैलिक से जो रहता है सेल एनवलोप का सबसे बाहरी भाग है, ठीक है। और किससे जुड़ने के लिए होता है जी? ये इसके जुड़ने के लिए, सतह से जुड़ने के में क्या करता है? मदद करता है। क्लियर है ना? ये दो प्रकार का होता है ग्लाइकोकैलिक्स। कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का। सबसे पहला प्रकार देखो, ठीक है। सबसे पहला प्रकार है आपका स्लाइम लेयर। कौन सा लेयर? स्लाइम लेयर। और दूसरा होता है आपका क्या? कैप्सूल। क्या होता है? कैप्सूल। स्लाइम लेयर क्या होता है? यह सतह से चिपकने में मदद करता है, चिपकने में मदद करता है। और ये वाला जो लेयर रहता है कैप्सूल वाला लेयर, ठीक है ना, ये क्या रहता है? यह खुरदुरा, यह क्या रहता है? खुरदुरा रहता है। वह कठोर होता है, कठोर होता है। और इसी लेयर के कारण डिसीज कॉसिंग एबिलिटी आता है, क्या रहता है? इसके कारण डिसीज कॉसिंग एबिलिटी रहता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कौन से लेयर के कारण? कैप्सूल। इसके कारण? कैप्सूल के कारण। एक होता है आपका स्लाइम लेयर और एक होता है आपका कैप्सूल। क्लियर है कि नहीं? मतलब जो ग्लाइकोकैलिक्स है, मान लो एकदम ज़्यादा चिपचिपा है, ठीक है ना, तो वो वाला कहानी है जो कि जुड़ने में सहायता करता है। और मान लो क्या है आपका? कठोर है और क्या है? थोड़ा सा मोटा है, तो वो क्या करता है? रोग उत्पन्न करने का क्षमता उत्पन्न करता है। यानी ऐसा जिसमें कैप्सुलेटेड रहेगा, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें क्या रहेगा? कैप्सूल उपस्थित रहेगा, वो क्या रहता है? रोगकारी होता है। क्या होता है? रोगकारी। सौ बात का एक बात ये है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स हर बैक्टीरिया में पाया जाए ऐसा एकदम ज़रूरी नहीं है। क्लियर है ना? यहाँ तक हो गया पहला वाला पॉइंट, क्लियर है कि नहीं? चलो जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट देखिए क्या। चलो पहला लेयर हम लोग पढ़ डाले किसके बारे में? ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। दूसरा पढ़ेंगे किसके बारे में? सेल वॉल। चलो हेडिंग डालो सेल वॉल। दूसरा है आपका सेल वॉल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो रहता है, ध्यान समझना, मुनेरा जगत के जीवों में भी पाया जाता है, ठीक है, प्रोटिस्टा जगत के जीवों में भी पाया जाता है, फंजाई जगत के जीवों में भी पाया जाता है और पादप जगत के जीवों में भी पाया जाता है। लेकिन सब में ये जो बना होता है, कंपोजिशन जो इसका रहता है, संगठन जिससे मिलकर ये बना हो, सेल वॉल जिससे मिलकर बना रहता है, वो कंपोजिशन क्या होता है? अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। मतलब जैसे मुनेरा जगत है, तो मुनेरा जगत का जो, ध्यान समझना, मुनेरा जगत का जो सेल वॉल होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना रहता है। प्रोटिस्टा जगत का जो रहता है वो अलग बना रहता है। जैसे फंजाई जगत का काइटिन से बना रहता है, पादप जगत का किससे बना रहता है? सेल्युलोज से बना रहता है। समझ आ रहा ना? तो जिससे मिलकर बना रहता है कोशिका भित्ति, वो क्या होता है? अलग अलग। लेकिन कोशिका भित्ति जो रहता है वो पाया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है इन चारों जगत में? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये जो कोशिका भित्ति रहता है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? कोशिका को फटने से बचाना। कोशिका को फटने से बचाना। मान लो कोशिका में क्या हो रहा है, ध्यान समझना,
कोशिका में मान लो क्या हो रहा है, आपका पानी भर रहा है तो कोशिका फट भी सकता है, तो ऐसे टाइम में उसको फटने से बचाना, क्लियर है ना, कोशिका को फटने से बचाना। इसके अलावा कोशिका को क्या देना, आकृति देना, कोशिका को निश्चित आकार व आकृति देना, निश्चित आकार व क्या देना, आकृति देना, कोशिका को निश्चित आकार और क्या देना, आकृति देना। ये होता है आपका किसका काम, कोशिका भित्ति का, क्लियर है। अब ध्यान देना, हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, सेल वॉल बैक्टीरिया का। तो जो बैक्टीरिया का सेल वॉल रहता है ना, वो किससे मिलकर बना रहता है, ध्यान देना, वो मिलकर बना रहता है आपसे किससे, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से, पेप्टाइडोग्लाइकॉन मतलब एक तो है पेप्टाइड, ठीक है, क्या है, एक पेप्टाइड, और दूसरा क्या है, ग्लाइकॉन, क्या है, ग्लाइकॉन, एक तो है पेप्टाइड और दूसरा क्या है आपका, ग्लाइकॉन, दो चीज़ से मिलकर बना है। ये है आपका ग्लाइकॉन, क्या है, शुगर है, क्या है, शुगर, और ये क्या है आपका पेप्टाइड, पेप्टाइड क्या है आपका, अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ, यानी कि प्रोटीन है। तो जो दो चीज़ से मिलकर बना रहता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से, एक तो पेप्टाइड और दूसरा क्या रहता है, ग्लाइकॉन, मतलब ध्यान से समझना। और ये जो शुगर रहता है ना, वो दो शुगर रहता है इसमें, मेनली कितना शुगर रहता है, दो, एक होता है नाग और एक होता है नाम, ठीक है, इसका नाम क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, इसका नाम होता है एन एसिटाइल म्यूरामरिक एसिड, म्यूरामरिक एसिड, ठीक है, एन एसिटाइल म्यूरामरिक एसिड, नाम एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, नाम, क्लियर है ना, ये दोनों से मिलकर बना रहता है। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं। और दूसरा रहता है क्या उसमें, अमीनो एसिड का पेप्टाइड चेन, क्या रहता है, पेप्टाइड चेन, मतलब होता क्या होगा, ध्यान देना, एक ध्यान समझने का कोशिश करना, एक नाग, फिर एक नाम, ऐसे है, फिर नाग, फिर नाम, फिर नाग, फिर नाम, ऐसा रहता है ना, फिर इधर क्या रहेगा, नाम, फिर नाग, नाम, फिर नाग, ऐसे करके लगातार ऐसा चैन बना रहता है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना, जैसे कि ध्यान देना ना, एन एसिटाइल म्यूरामरिक एसिड है, वैसे एन एसिटाइल म्यूरामरिक, तो आपस में किस बंध द्वारा जुड़ा रहता है, ये पेप्टाइड बंध द्वारा, कौन से बंध द्वारा, पेप्टाइड बंध द्वारा, क्लियर है कि नहीं। फिर इधर भी वैसे ही रहेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आपस में क्या रहते हैं, ऐसे सब के सब जुड़े रहते हैं, ठीक है। और ये क्या बनाता है, क्रॉस लिंकेज, क्या बनाता है, क्रॉस लिंकेज, क्रॉस बना है, इसको बोलते हैं क्रॉस लिंकेज, क्या बनाता है, क्रॉस लिंकेज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ध्यान से समझने का कोशिश करना, जो बैक्टीरिया रहता है, ठीक है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो किससे किससे मिलकर बना है, नाग व नाम प्लस क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, ये वाला जी बंध है ना अमीनो एसिड का, पेप्टाइड बॉन्ड, ये वाला बंध क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, और इसी क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंकिंग, क्या बोल देते हैं, क्रॉस लिंकिंग। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो ये हो गया आपका कहानी किसका, सेल वालों का। सब बात का एक बात इतना याद रखना, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर बना रहता है, किससे, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, और जिसमें जो ग्लाइकॉन रहता है, एन एसिटाइल म्यूरामरिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन होता है, नाग और नाम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, पेप्टाइडोग्लाइकॉन क्या होता है जान डाले कि नहीं। अच्छा, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन है ना, इसका एक और नाम है म्यूरिन नाम, म्यूरिन, क्या नाम है, म्यूरिन, ये क्वेश्चन आया हुआ, म्यूरिन, ठीक ना, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का एक और नाम क्या है आपका, म्यूरिन। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये जो पेनिसिलिन का नाम सुने होगे तुम लोग, पेनिसिलिन जो रहता है बैक्टीरिया को नष्ट करता है, एंटीबायोटिक रहता है, असल में क्या करता है, पेनिसिलिन जो रहता है ना, पेनिसिलिन जो रहता है, ध्यान से समझना, पेनिसिलिन जो रहता है, ये जो क्रॉस लिंकिंग है उसको बनने नहीं देता, पेनिसिलिन प्रिवेंट क्रॉस लिंकिंग, इसको रोक देता है क्रॉस लिंकिंग को, क्लियर है ना। अब ये क्रॉस लिंकिंग नहीं होगा तो उसका सेल वॉल क्या हो जाएगा, फट जाएगा, सेल वॉल फट जाएगा, तो ये जो बैक्टीरिया होगा वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। तो सब बात का एक बात, पेनिसिलिन जो रहता है कहाँ एक्ट करता है तुम्हारा, क्रॉस लिंकिंग को तोड़ने में, किसको तोड़ता है, क्रॉस लिंकिंग को। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना।
यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, लाइसोजाइम करके एक और एंजाइम रहता है, कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। ये बीटा 1,4 लिंकेज को तोड़ता है। किसको? बीटा 1,4 लिंकेज। बीटा 1,4 लिंकेज कब पढ़ूंगा? जब मैं तुम लोगों को नाग और नाम का स्ट्रक्चर पढ़ूंगा तब। नाग और नाम का स्ट्रक्चर कब पढ़ेंगे? हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे बायो मॉलिक्यूल करके, ठीक है ना? तो उसमें इसका स्ट्रक्चर पढ़ूंगा मैं। किसका? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल यूरामरिक एसिड। बस इतना याद रखना कि इसमें है बैक्टीरिया में। चलो लिखो जल्दी से। जल्दी करो जल्दी। यानी कि ध्यान दो, ये जो पेनिसिलिन है ना, ध्यान से, पेनिसिलिन है वो इसको तोड़ रहा है। और ये एन एसिटाइल ग्लूकोसा, ये भी आपस में जुड़े होंगे। यहाँ पास जो अब जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं बीटा 1,4 लिंकेज। तो इसको तोड़ने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। कौन करता है? लाइसोजाइम। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सेल वॉल बनने नहीं देते हैं। क्लियर है ना? सेल वॉल जो रहता है नाग, फिर नाम, फिर नाग, फिर नाम, ऐसे रहता है। तो यहाँ के बीच में लिंकेज, फिर यहाँ के बीच में, फिर यहाँ का, फिर ऐसी नाग नाम ऐसे बना है। तो नाम और नाम आपस में जुड़ा है। तो ये वाला क्रॉस लिंकिंग है। क्रॉस लिंकिंग को कौन तोड़ता है? पेनिसिलिन। कौन तोड़ता है? पेनिसिलिन। अरे जो बीटा 1,4 लिंकेज है इसको कौन तोड़ता है? लाइसोजाइम। कौन तोड़ता है? लाइसोजाइम। यहाँ तक क्लियर है? चलो जल्दी 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 करो। चलो हो गया क्या? ठीक, आगे बढ़ें। तीसरा स्ट्रक्चर है आपका क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो रहता है किसका बना रहता है? फास्फोलिपिड का, या फास्फोलिपिड की बनी, फास्फोलिपिड की बनी। क्या रहता है? दोहरी भित्ति होता है। फास्फोलिपिड का बना दोहरी भित्ति होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एकमात्र स्ट्रक्चर है ना, ये क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट व प्रोकैरियोट व यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट व यूकैरियोट में केमिकली व स्ट्रक्चरली संरचनात्मक रूप से, और क्या बोलना चाहिए, रासायनिक रूप से क्या होता है? समान। चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका हो, सब में सेम टू सेम क्या रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे रहते हैं, ध्यान देखना कैसे शो करते हैं। ये ऐसा लिपिड पर ध्यान देना ना, ये वाला जो सिरा है जिसको गोल से बनाया, इस सिरे को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक जल स्नेही फिल करता है, ऐसे करके याद रखना, जल स्नेही होता है। एक सिरा क्या होता है? जल स्नेही। और इसका एक जो सिरा रहता है वो हाइड्रोफोबिक रहता है। हाइड्रोफोबिक मतलब ये क्या रहता है? जल विरोधी। कैसा रहता है? जल विरोधी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ध्यान से समझना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ध्यान देना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है किसका बना रहता है? फास्फोलिपिड का बना रहता है, बोल रहा हूँ। किसका बना रहता है? फास्फोलिपिड का। अब ध्यान समझना, ये जो रहता है एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या रहता है? समान। अब मान लो मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं, तो उसमें दो सिरा रहता है। कितना सिरा रहता है? दो सिरा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितना सिरा रहता है? दो सिरा। एक सिरा रहता है क्या? हाइड्रोफिलिक, जो कि क्या रहता है? जल स्नेही, और किससे जुड़ता है? जल से जुड़ा होता है, जल की ओर होता है, इधर होता है जल की ओर।
होता है। और एक जो सीरा रहता है वो क्या रहता है, जल विरोधी होता है। क्या होता है? जल विरोधी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? अच्छा, यदि इसका स्ट्रक्चर देखें ना कैसे बनता है, CH2OH, थोड़ा सा समझा रहा हूँ। CH2OH इस टाइप से आपका ग्लिसरॉल है। मान लो यहाँ पास क्या जुड़ा हुआ है, आपका फास्फेट जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? मान लो फास्फेट। तो फास्फेट जब जुड़ता है, ध्यान से समझना, फास्फेट जुड़ने के कारण ये जो सीरा रहता है, कौन सा जुड़ने के कारण, फास्फेट जुड़ने के कारण ये सीरा हो जाता है आपका हाइड्रो, क्या हो जाता है, हाइड्रोफिलिक हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रोफिलिक। क्लियर है ना? मतलब फिलिक वाला भाग यानी फास्फेट वाला भाग इधर रहता है, यानी कि ये वाला कौन सा वाला भाग रहता है, फास्फेट। और ये जो दिख रहा है ना, दो ठोक बना दिया हूँ ऐसे करके, ये क्या रहता है, हाइड्रोफोबिक रहता है। क्या रहता है? हाइड्रोफोबिक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान समझना, बाई लेयर होता है, लिपिड बाई लेयर होता है बोला हूँ मैं। लिपिड बाई लेयर होता है मतलब देखो ऐसा है, फिर ऐसा, फिर ये, समझ आ रहा है? ये एक लेयर जी, और ये दूसरा लेयर, ये बाहर की ओर है, यानी कि कैसा सिरा है, जल स्नेही, हाइड्रोफिलिक है ये, क्या है, हाइड्रोफिलिक। और ये अंदर की ओर है, यानी बाहर में पानी होगा ऐसा, इधर बाहर में क्या होगा, पानी। और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, ये वाला हिस्सा क्या है, हाइड्रोफोबिक। क्लियर है कि नहीं? तो ये वाला बाहर वाला हिस्सा हाइड्रोफिलिक, और ये है क्या, हाइड्रोफोबिक। अच्छा, प्रोटीन का इस संरचना को कौन समझा था, सिंगर एवं निकोलसन मॉडल, सिंगर एवं निकोलसन मॉडल अनुसार, मॉडल अनुसार, ठीक है। सिंगर एवं निकोलसन मॉडल आप लोग जब पढ़ोगे ना सेल चैप्टर, प्लाज्मा झिल्ली का प्रॉपर स्ट्रक्चर बताएंगे उसमें रहता है। उसमें क्या रहता है, प्रोटीन का बड़ा बड़ा अणु रहता है, वो ऐसा धंसा रहता है बीच बीच में, क्लियर है, कुछ ऐसे तैरते रहता है, कुछ अंदर में ऐसे रहता है, इस टाइप से। तो प्रोटीन रहता है और फास्फोलिपिड का बाई लेयर रहता है, क्लियर ना, इन दो चीज़ों से मिलकर बना रहता है आपका क्या, प्लाज्मा झिल्ली। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया कि नहीं? तो ध्यान से देखो, प्लाज्मा झिल्ली ध्यान से समझना, फास्फोलिपिड का क्या बना रहता है, दोहरा भित्ती होता है। कितना सिरा होता है इसमें, दो सिरा होता है, एक सिरा होता है जो कि जल स्नेही होता है, दूसरा सिरा जल विरोधी होता है, बाई लेयर होता है। दो लेयर बता दिया मैं, कौन से मॉडल से बना है, सिंगर एवं निकोलसन मॉडल से, क्लियर है। और ये जो तुम्हारा हाइड्रोफिलिक वाला एरिया है, इसमें क्या उपस्थित रहता है, फास्फेट रहता है। क्या रहता है, फास्फेट। फास्फेट के कारण ये क्या रहता है, आपका जल स्नेही होता है। क्या होता है, जल स्नेही। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? तो इस तरीके से आप लोगों ने कितने स्ट्रक्चर पढ़ लिया जी, तीन स्ट्रक्चर। सबसे पहले पढ़े ग्लाइकोकैलिक्स से, दूसरा सेल वॉल, और तीसरा है आपका क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर है ना। और इन तीनों को ही मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, सेल एनवेलोप। क्या पढ़ेंगे, बोलते हैं सेल एनवेलोप। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ जाए, ठीक है। अच्छा, सेल एनवेलोप के आधार पर ही, यानी सेल एनवेलोप की मोटाई के आधार पर बैक्टीरिया को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव। दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे, फिर लास्ट हम पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। पहले तीनों टॉपिक अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है क्या, देखो फ्लैजिला। क्या है, फ्लैजिला। शुरुआत करें क्या फ्लैजिला के बारे में, चलो चौथा स्ट्रक्चर, ठीक है। चौथा स्ट्रक्चर है क्या आपका, फ्लैजिला। फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला शुरुआत करें, ठीक है। ये क्या है, फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। कोई जो प्रोकैरियोटिक कोशिका रहता है ना, उसका एक प्रकार का ये क्या है, गुण है, फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, जो हमारा यूकैरियोटिक जो फ्लैजिला रहता है, यूकैरियोटिक फ्लैजिला, यूकैरियोटिक जो फ्लैजिला रहता है उसमें 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। 9+2 व्यवस्था पाया जाता है, ठीक है ना। यूकैरियोटिक फ्लैजिला में क्या होता है, 9+2 व्यवस्था पाया जाता है। लेकिन ये कैसा जीव का है, फ्लैजिला, प्रोकैरियोटिक का, तो इसमें 9+2 व्यवस्था पाया नहीं जाएगा, व्यवस्था नहीं पाया जाता। अब ये 9+2 व्यवस्था क्या है, जब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ना तब समझ आएगा सेल चैप्टर में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, 9+2 व्यवस्था इसमें पाया नहीं जाता। अच्छा, जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला रहता है ना, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना रहता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना रहता है, किसका बना रहता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना,
लेकिन ये जो फ्लैजिला रहेगा जो कि किसका है आपका प्रोकैरियोटिक का, किसका फ्लैजिला है प्रोकैरियोटिक का, वो किससे बना रहता है फ्लैजेलिन प्रोटीन, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, क्लियर है कि नहीं, किससे बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन से, क्लियर है। ये जो फ्लैजिला रहता है इसका कितना पार्ट रहता है, तीन पार्ट, कितना पार्ट रहता है तीन पार्ट। सबसे पहला पार्ट रहता है क्या आपका बेसल बॉडी, दूसरा पार्ट रहता है आपका हुक, और तीसरा पार्ट रहता है इसका क्या फिलामेंट, क्या रहता है फिलामेंट। मतलब जब फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बनेगा तो ये देखो एक है ये, फिर इस टाइप पे संरचना, फिर इसमें निकल करके ये ऐसा बनेगा, क्लियर है ना। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका बेसल बॉडी, फिर ये वाला जो पार्ट है वो आपका क्या है हुक, और तीसरा ये वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका फिलामेंट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया, लिखो जल्दी लिखो। हो गया, अच्छा, जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता उसके आधार पर हम लोग इसको भी वर्गीकृत करते हैं ना, कैसे कैसे करते हैं ध्यान से समझना, चलो आगे बढ़ाऊं, ठीक है ना। फ्लैजिला की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बैक्टीरिया को हम लोग अलग अलग प्रकार से डिवाइड करते हैं। देखो ए ट्राइकस, पहला होता है क्या ए ट्राइकस, यानी कि जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता, जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता उसको हम लोग क्या बोलते हैं ए ट्राइकस, क्या बोलते हैं ए ट्राइकस, क्लियर है। एग्जांपल याद रखना साइनोबैक्टीरिया, क्या है आपका साइनोबैक्टीरिया, और दूसरा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ये दोनों में फ्लैजिला पाया नहीं जाता तो इसको बोलेंगे क्या ए ट्राइकस। जिसमें केवल एक फ्लैजिला पाया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं मोनोट्राइकस, कितना फ्लैजिला, केवल एक फ्लैजिला, मतलब इस तरीके से ना ये बैक्टीरिया बनाया ईस्ट साइड, बस एक फ्लैजिला पाया जा रहा है एक साइड तो क्या बोल देंगे उसको मोनोट्राइकस। मान लो दोनों साइड पाया जाए तो उसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस, क्या बोलते हैं एम्फीट्राइकस, ठीक है। मतलब ऐसा है इधर भी पाया गया और इधर भी पाया गया फ्लैजिला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे एम्फीट्राइकस, क्या बोलते हैं एम्फीट्राइकस, क्लियर है कि नहीं। मान लो ऐसा बंच है लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस क्या होता है ध्यान देना, मान लो ये बैक्टीरिया है तो इधर भी बहुत सारा बंच और इधर भी बहुत सारा बंच ऐसा पाया जा रहा है, बहुत सारा फ्लैजिला है और दोनों साइड पाया जा रहा है, इसको बोलेंगे क्या लोफोट्राइकस, क्या बोलेंगे लोफोट्राइकस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्या बोलते हैं लोफोट्राइकस। अच्छा ऐसा हो गया कि बैक्टीरिया है केवल एक ही साइड में बहुत सारा पाया जा रहा है, ऐसा क्लियर है ना, इसको बोलते हैं सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, क्लियर है। तो एम्फीट्राइकस में क्या होता है दो फ्लैजिला होता है और लोफोट्राइकस में बंच रहता है दोनों साइड, और इसमें क्या रहता है एक साइड सिफेलोट्राइकस, क्या होता है सिफेलोट्राइकस। तो कितने प्रकार का हो गया फ्लैजिला की अनुपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर, एक दो तीन चार और ये पाँच, कितना प्रकार का पाँच, ठीक है। ये ए ट्राइकस वाला एग्जांपल याद रखना जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता, किसमें किसमें नहीं पाया जाता साइनोबैक्टीरिया में और आपका माइकोप्लाज्मा में। यहाँ तक क्लियर है, चलो जल्दी लिखो। ठीक है ना, फिम्ब्री, और दूसरा एक स्ट्रक्चर क्या था पिलाई, दोनों के एक साथ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दोनों में अंतर भी आ जाता है फिम्ब्री और पिलाई में, ठीक है। कौन सा नंबर का यही था पांचवा नंबर का, और ये कौन से नंबर का था छठवा नंबर का। सबसे पहले तो ये ध्यान देना ये होता है ब्रिसल शेप, कौन सा शेप होता है ब्रिसल शेप, झालर जैसा, ब्रिसल शेप झालर नुमा ऐसा रहता है, झालर नुमा मतलब एक जैसे ये बैक्टीरिया बना है ना उसमें कैसा ऐसा झालर जैसे निकला रहता है, क्लियर है ना, ब्रिसल शेप रहता है।
ठीक है। और ये होता है कौन सा शेप? ट्यूबुलर शेप, ट्यूब जैसे, ट्यूबुलर शेप। ये होता है ट्यूबुलर शेप, मतलब ये जैसे बैक्टीरिया है तो ये देखो ऐसे करके, ये थोड़ा मोटू है ऐसा, ऐसा कैसे दिख रहा है? ट्यूब जैसे दिख रहा है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा ये जानना, ये होता है मोर इन नंबर, मतलब संख्या में क्या होता है? अधिक। मोर इन नंबर बहुत ज़्यादा संख्या में होता है, क्लियर है? अरे क्या होता है? लेस इन नंबर, मतलब संख्या में कम होता है, क्लियर है? ये संख्या में अधिक होता है, ये संख्या में क्या होता है? कम। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा उसके बाद ये जानना कि ये हेल्प करता है किसमें? अटैचमेंट में, हेल्प इन अटैचमेंट में, जुड़ने में सहायता करता है, ठीक है ना? हेल्प इन अटैचमेंट में करता है, ठीक है। लेकिन जो पिलाई रहता है, ठीक है, वो मदद करता है किसमें? रिप्रोडक्शन में मदद करता है, रिप्रोडक्शन में मदद करता है, ठीक है। सेक्स पिलाई का निर्माण करता है, सेक्स पिलाई का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो एक हो गया आपका फिम्ब्रिक और एक हो गया आपका क्या? पिलाई। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें? नहीं ना, ठीक है। अच्छा दोनों के बारे में एक कॉमन चीज़ क्या है? दोनों के बीच में एक कॉमन चीज़ ध्यान देना, दोनों के बीच में सबसे कॉमन चीज़ क्या है? ये जो दोनों रहते हैं, ध्यान सुनना, ये दोनों गति में सहायक नहीं होते, गति में सहायक नहीं होते हैं, क्लियर है? मोटिलिटी के लिए केवल और केवल कौन जिम्मेदार है? आपका फ्लैजिला, ठीक है ना? यानी कि फ्लैजिला जो रहता है, ध्यान से समझना, फ्लैजिला जो रहता है वो गति कराने में सहायता करता है, लेकिन ये जो पिलाई रहता है या फिम्ब्री रहता है वो गति कराने में सहायता करता नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? किसका किसका बात हो गया? फिम्ब्री और पिलाई का। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाएँ क्या? आगे बढ़ जाएँ, ठीक है। अच्छा रुको एक मिनट, टाइम हो गया क्या? ठीक है, तो इसके आगे का जो संरचना है, ठीक है ना, कितना संरचना बच गया हमारा? एक मिनट देख लेते हैं भाई, हम लोग कौन कौन से स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिए हैं? देखो हम लोग पढ़ लिए हैं किसके किसके बारे में? ग्लाइकोकैलिक सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिम्ब्री हो गया, पिलाई हो गया और आपका फ्लैजिला। अब जो बचा हुआ क्लास रहेगा, यानी कि कल का जो क्लास रहेगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मीजोसोम क्या होता है, क्रोमेटोफोर, राइबोसोम, इन सब के बारे में, ठीक है। तो एक लेक्चर और में हम लोग क्या कंप्लीट कर लेंगे? आपका स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलो।